मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज आयशी रजन. आई होप यू ऑल आर डूइंग. आज सैटरडे है, मैं सोची थी लेट उठूँगी, बट हमेशा सैटरडे का स्यापा है. एक ना एक ऑर्डर आ जाता है सुबह ही 9 बजे और मुझे उठा देता है. मैं 9 बजे से उठी हुई हूँ और अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने. उठ के तो अभी भी देखो आ रहा है कॉल, पार्सल आया था. कॉल मामी को कि मामी जाके ले ली, क्योंकि उनका सीढ़ी बहुत कम है तो वो ले ली. एक मैं ले चुकी थी, ये 2-3 भैया ने बुक किया है वही आ रहा है. नंबर मेरा ही डालता है ऐसे. और अब चलते हैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने. इसमें मैं चाय बनाऊंगी और इसमें है मूली का आटा गूंथा हुआ, तो मूली का पराठा. चलो बनाते हैं. पराठा बन गया तो मैं इसमें डाल के रखी हूँ पराठा. चाय बनने में अभी टाइम है, चाय बन जाएगा फिर मैं चाय और पराठा खाऊंगी. और अभी टीवी ऑन ऐसे करके आना पड़ता है इसके कारण. और टीवी में देखेंगे फ्लाइंग विस्क का ब्लॉग. यूज हो जाती हूँ कि टीवी का लगा हुआ भी है या नहीं. नहीं, ये चार्जर का है. ये है हमारा टीवी का. ये अब हो गया हमारा टीवी ऑन. फिर कोई हॉल वीडियो शूट, उसके बाद सारा सफाई होगा. अभी कोई सफाई फाई नहीं होगा, फिर बैठ के बस सो जाती हूँ. मेरा तो मन कर रहा है, पार्सल वाले ने ज़िंदगी ख़राब करके रख रखी. मैं स्किन केयर पे शॉर्ट्स वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने अभी फेस मास्क लगाया है. पहले फेस वॉश किया, फेस मास्क लगाई, उसके बाद मॉइस्चराइजर और सीरम. ये मैं शॉर्ट्स वीडियो बना रही हूँ. अभी सूखा नहीं इसलिए मैं बाहर आ गई फ़ोन लेकर. अब मेरे हरे भरे पौधे थोड़े से ख़राब हो रहे हैं. क्यों हो रहे मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं अभी इसकी खुदाई करके पानी भी डाली हूँ. ये मुड़ क्यों गया, मतलब खुद बड़े बड़े हो रहे हैं. यहाँ से देखो गल जा रहे हैं ना. ये भी कवाड़ी लेने आया है. मैं खुद इसके भी खुदाई की, पानी डाली कि पता नहीं किस रीजन से हो रहा है, पर कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. ये भी शॉर्ट्स के बहाने मेरा स्किन केयर भी हो गया. स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो गया. अब सिर्फ कपड़ा जो धुल रहा है उसे सुखा कर डाल. लग चुका है तो चलो, थोड़ा सा टाइम लगे इसके बाद ये काम नहीं. शॉर्ट्स वीडियो भी बन गया सारे मेटते. ये रहा मेरा तामझाम. ये देखो आज आंटी बना रही हैं कड़ी. और कड़ी के साथ क्या बना रहे हो, रोटी कड़ी चाय चावल. चावल तो बना हुआ है. रोटी और पकौड़ा, प्याज का ही पालक है नहीं. इसको चलाते हैं, 1 घंटा चलाना पड़ेगा कड़ी में. लेकिन गैस बहुत लगता है ना आंटी, बहुत ख़त्म होता है. आंटी कहती है जिस दिन वीडियो बनाना मैं तैयार हो के आऊँगी. आज कान का झुमका है ना. एक एक दिखा उधर, दिखा उधर झुमका. कहती मैं तैयार हो के आऊँगी. इसलिए एक पति तो एक झुमका. क्या बोल रही है मुझे मैं समझ को. इतना मिर्ची किस में डालोगे आंटी, मत डालना इतना मिर्ची. टेंशन मत लो बेटा. नहीं आंटी मिर्ची नहीं, मिर्ची पकोड़ा में बिल्कुल 4 मिर्ची डालो, रख दो उसे. इतना तीखा नहीं, तीखा बिल्कुल नहीं पसंद इसमें. खून हाँ इतना सही है, इतना रहने दो. चलो आंटी मैं जा रही हूँ अब ट्यूशन पढ़ाने. आते हैं आपका सीरियल डाउनलोड कर दिया अनुपमा, वहाँ पे फोन लगा हुआ आंटी का. सीरियल उनके लिए बहुत जरूरी है. Much later. मैं अभी मामी के घर से आई हूँ और आज पवन भी नहीं है, पवन गया है दोस्त के घर, तो रात को बस मैं ही हूँ. और मैं जा रही हूँ अब एडिटिंग करने. थोड़ा सा फिर से थ्रोट पेन स्टार्ट होने लगा, पता नहीं कैसे, तो हल्का हल्का फीवर हो रहा है. सिंगली मेडिसिन ये पड़ा हुआ टैब में कर रही थी एडिटिंग, अजीब सा ही लगा कि मुझे फीवर हो रहा है. तो मैं पहली मेडिसिन ले ली फीवर हो ना, बट अभी अच्छा फील कर रही हूँ. अब मैं एडिटिंग कर सकती हूँ तो पेंटिंग करेंगे, है ना. किचन में कैसे फैला पड़ा है कपड़ा, भी आज ही धुल गया था सैटरडे को. ये कपड़ा यहाँ बैठ के करते हैं एडिटिंग. और देखो आज मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसमें कोई ठंडा पानी नहीं पी थी. थ्रोट में पेन था ना, गर्म करके पानी पी थी. और गर्म करने वाला बर्तन भी यहाँ है. अभी भी एक गिलास गर्म पानी लेके वहीं पर बैठ जाऊँगी, क्योंकि गर्म आ जाता है, मतलब बहुत जल्दी आराम आ जाता है. और एक बुक है, कहाँ पर है बुक पता नहीं, एक मैंने अमेजोन से बुक मंगा, मेरा नहीं है किसी और का है. बट आज मैं रात कोशिश करूँगी. एक और मैंने स्टार्ट किया था, उसे मैंने पढ़ा नहीं, 10-15 पेज पढ़ के छोड़ दिया है. रिच डैड एंड पुअर डैड, आज रात को मैं ये पढ़ूँगी. पहले एडिटिंग वगैरह कर ले फिर ये पढ़ूँगी, है ना. अरे फ्लैश चल रहा है, देखो व्लॉगिंग पीछे फ्लैश से करती हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें अंधेरे में दिखती नहीं है, मैं इसलिए फ्लैश जला लेती हूँ.
भगवान जी का भी लाइट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया मैंने। अपना पानी मैं गर्म कर रही हूँ और ये मेरा प्यारा सा कप, इसमें पानी लेके चलते हैं और मस्त बैठ। अच्छा मौसम है बाहर का, पूछो मत। मतलब कुछ दिन से इतना प्यारा लगता है रात को बैठ के एडिटिंग करना, इतना अच्छा कि बैठे बैठे कभी कभी तो कभी नींद सा लगने लगता है कि हाय नींद आ रहा है, बट बैठ के मस्त एडिटिंग करेंगे और कुछ देखूंगी भी टैब में। कल संडे है और मंडे को भी छुट्टी है, 3 दिन लगातार छुट्टी, बट मंडे को ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़ेगा। यहाँ पे है स्विच जिसे हमें पता चलता है कि हमारी टंकी भरी है या खाली है, ये बोलता है टंकी भर गई है बंद करो। अरे भैया देखना मैं पानी कैसे चेक करती बहुत गर्म है, बहुत गर्म, वही छन 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 कर रहा है, देख के पता चल रहा होगा, देख के कह रही हूँ, सुन के आवाज से बहुत गर्म पानी हो गया है, बुलबुले उड़ रहे हैं। चलो आपका स्वागत है, यहाँ पे बैठते हैं पानी का। देखो ये बुक का जो इसमें बुक आया था इसको फाड़ के मैं ये भी फेंकी हूँ, और मेरा चेयर लगाओ भाई, ये हैंकी पवन का देखो, बैक में भी सपोर्ट है नीचे भी डाला हुआ है। तो चलो काम करते हैं, फिर मिलते हैं कुछ देर। वगैरह सब कुछ हो गया और मैं एक चीज़ भूल गई, मोटर ऑन करना। एक झोस ऑन ब्लॉगिंग के चक्कर में ये सारा सूख दूंगी मैं। ओके लाइट जल रहा है, मोटर ऑन, मैं झोस ऑन करूंगी। एडिटिंग फाइनली हो गया, गले की बैंड बज रही है पूरी तरीके से, आवाज़ भी ऐसे बैठा बैठा सा लग रहा है, और अब जा रही हूँ रेस्ट करने। में सोची थी वैसे जल्दी सोऊंगी नहीं, बट कोई ऑप्शन नहीं है, अब मुझे सोना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन हो रहा है। बेड सही करते हैं, ये सब कुछ हटाती हूँ मैं, ये पढ़ने का सोची थी, अभी तो जस्ट एडिटिंग ही की हूँ, क्या पढ़ूँगी यार, ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, स्कैनर क्यों दे रखा है देख जा भाई, कुछ चाहिए आ जाओ मिल जाएगा, व्हाट इज दिस, अच्छा कूपन कोड है, कोई बात नहीं, संडे वनडे पढ़ेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, इतना भी मुझे शौक नहीं है बुक्स पढ़ने का, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ तो पढ़ है क्या इस बुक के अंदर। और आज मैं कलर भी नहीं की हूँ, बताओ ऐसे 3-4 दिन से इतना लगी रहती हूँ उस कलर करने में, आज छुट्टी है तो आज मैं कलर नहीं की। मैंने डांस क्लास भी ज्वाइन कर लिया है, सिर्फ सैटरडे सैटरडे डांस क्लास जाती हूँ। अब मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, मुझे कलर करना बहुत पसंद है, डांस करना बहुत पसंद है, ब्लॉगिंग और यूट्यूब से रिलेटेड काम करना तो पसंद ही है, और ट्यूशन पढ़ाना भी मुझे पसंद है, वो भी कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ। जॉब में जब आँख में दर्द होता है ना वो चीज़ पसंद नहीं आता मुझे, लेकिन ट्यूशन पढ़ाना पसंद आता है मुझे। जॉब मैं पहले करती थी बट कम घंटों के लिए करती थी, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गई थी जो 6 घंटे के लिए, डिस्पेंसरी में भी करती थी 2.5-3, इतने घंटे का चलता है जो 8-8 घंटे का शिफ्ट होता है उसमें, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा, मुझसे नहीं बनता 8 घंटे का शिफ्ट, बट मुझे करना है अभी तो, अभी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए, क्योंकि उसके बाद ना मुझे कोई बैक एक हेड एक इसकी मेडिसिन नहीं बनता 8 घंटे का, वही कम आर का होता है, इतने खुशी से मैं करती थी ना, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जाती थी, 6 घंटे का था 5 घंटे का था, मज़ा आता था करने में काम, कि मैं भी ना थकूँ और काम भी अच्छे से कर रही हूँ, बट अब मैं थक जाती हूँ। बस यहीं पे बक बक करके ब्लॉग को ख़त्म करते हैं आज के लिए, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।